मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। हमारे आसपास कई लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया, कोरोना का पॉजिटिव हो गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आ रही है। घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। इधर उधर झांक सकते हैं तो सब कुछ सुनसान लगता है, इधर उधर झांकते देखते हैं सब कुछ सुनसान होता, कुछ नहीं होता दूर दूर तक। बहुत जी दुखी है, बहुत परेशानी लग रही है, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं कुछ किचन में बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ दाल अरहर अपने तरीके से। तो हम लोग ज़्यादातर ऐसी बनाते हैं, मैं पहले शिमला में रहती थी ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर सब लोग इसी तरह से तड़का मार के बनाते हैं। हमारे यहाँ तड़का मार के नहीं बनाते, हमारे यहाँ सिर्फ लहसुन और मिर्ची से छौंकते हैं। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ तड़के वाली अरहर की दाल। ये हमने प्याज ले लिए और प्याज का भून रहे हैं। मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है, आप लोगों ने देखी मेरी कढ़ाई, तो मैं हरी मिर्च, धनिया और ये टमाटर, अदरक, लहसुन कुचला हुआ थोड़ा सा, और ये दाल इसमें मैंने एक सीटी लगा ली, इसको तैयार कर लिया है। लहसुन अदरक है कुचला हुआ, और ये लगभग प्याज आज हो गई है मेरी तैयार इस कढ़ाई के लिए। मेरे हाथ से कटोरी छूट गई कढ़ाई के लिए, किसी ने मुझे टोंट कर दिया था। तो वो लोहे की कढ़ाई थी, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत अच्छा रहता है, अल्यूमिनियम की कढ़ाई सही नहीं रहती है, तो आप लोगों को भी पता होगा। स्टील की हमें आस पास मिली नहीं, तो फिर मैंने ये एल्यूमिनियम की ही ले ली है। तो अब मैं इसमें बना रही हूँ। अब तो नहीं लग रही आपको ये बेकार? लोहे की कढ़ाई काली होती ना, तो वो किसी को देखने में अच्छी नहीं लगती है। देखिए प्याज में टमाटर डाल दिए थे, टमाटर हो गए हैं अब तैयार, और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। ये बाद में डालते हैं, इसकी अच्छी अच्छी खुशबू आती है कच्ची कच्ची सी। तो इसको तैयार कर रही हूँ मैं, और अब हरी मिर्च डालती हूँ। हरी मिर्च पहले से डाल दो तो वो थोड़ी सी मुलायम हो जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं। ये थोड़ी कैरी रहेंगी, अच्छी लगेंगी मुँह में, आएंगी खाने में ना टेस्टी लगेगी, बहुत टेस्ट आता है उसकी वैसे। और इसमें मैं डाल दूँगी फिर दाल, और थोड़ी देर उसको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद मैं उसे उतार लूँगी और हमारी दाल हो जाएगी तैयार। इस तरह से दाल कोई कोई खाता, कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ वैसे मेरे घर में ज़्यादातर सब वैसी दाल खाते हैं, लहसुन और सूखी मिर्ची से सौंखी हुई। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ये वाली होटल स्टाइल में बनती है, ज़्यादातर होटलों में तड़के वाली दालें मिलती हैं तो बच्चों को अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी तड़का मार देती हूँ। ये मैंने डाल दिया, थोड़ी देर में इसको इसी में बॉइल करूँगी और उसके बाद ये हो जाएगी तैयार। ये देखिए अभी मिक्स करूँगी मैं इसको, वो हाथ में असल में कैमरा पकड़ रखा तो दूसरे हाथ से काम नहीं हो पाता। मन्नू ने मेरी सब सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड सब तोड़ के चिथड़े कर दिए हैं उसके। लूँगी अभी थोड़े दिनों बाद लूँगी, पहले ये कोरोना का जोर ख़त्म हो जाए उसके बाद लूँगी। अभी मैं हाथ में ही लेके बनाती हूँ, ये कैमरा हिलता रहता है ना, लेकिन क्या करा जाए मजबूरी है, रखने की कहीं किचन में जगह ही नहीं बैठती, तो हाथ में लिए रहती हूँ इस हाथ में। और ये इस तरह से मेरी दाल हो गई है, देखिए तैयार। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। ये मैंने लगा दिया है इनको खाना, ये रही इनकी दाल और हरी मिर्च प्याज के साथ। और ये देखिए, ये मैं बनाने जा रही हूँ मास्क मन्नू के लिए, छोटे बच्चों के लिए। गली में जो और छोटे बच्चे हैं या आसपास जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बांट दो। वैसे तो ये मैं अपनी फैक्ट्री की तरफ जो बच्चे हैं उनके लिए बना के बांटूंगी। तो इस तरह से मैं जो मुझ पर सूती कपड़े रखे थे उनके मैं मास्क बना रही हूँ, ये डबल लेयर करके। छोटे बच्चों के मास्क जो मिलते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो बहुत पतले होते हैं, इसलिए मैंने घर में बनाए हैं। तो ये मास्क बना रही हूँ बच्चों के लिए, ये देखिए इस तरह से। कुछ बांट देंगे, कुछ घर में रोक लेंगे, इस तरह से ये हो गया तैयार। ये बड़े बड़ों का मास्क है, कुछ बड़ों के कुछ बच्चों के। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं कितना बुरा माहौल चल रहा है, कितना गलत हो रहा है ये सब कुछ। जितना आपके बस में है या हमारे बस में है उतना हम लोग करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी करिएगा। आप लोग जितने हो सके गरीबों की हेल्प कीजिएगा और उनकी मदद कीजिए। मास्क तो ज़रूर बांटिए, क्योंकि मास्क डॉक्टर कहते हैं कोरोना को रोकने में एक बहुत ही अच्छे पुल का काम कर रहा है, तो ये ज़रूर कीजिए। आप लोग मास्क बांटिए, मैं भी मास्क बांटती हूँ और अभी भी बांटूँगी, और घर के बने हुए भी बांटती हूँ मैं, और रेडीमेड वाले भी। तो आप लोग भी प्लीज़ लोगों को जो गरीब है ना, आप देखिए सब्जी वाले हैं और हैं रिक्शा वाले हैं, इनकी बस्ती वर्सी होती है अपने घर के आसपास ज़रूर होती कहीं ना कहीं बस्ती, तो उनकी बस्ती में जाकर उन्हें ज़रूर दीजिएगा। मैं तो दे रही हूँ।
और यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ। और अगर कोई मजबूर है, कोई जाना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने पीने को नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग रोकिएगा उसे, उसको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें, आपके जो जान पहचान वाले हैं वो मदद करें, खाने पीने की तंगी ना हो, परेशानी ना हो। ये फिर वही पुराना दौर वापस आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। देखिए, करा हुआ कहीं नहीं जाता है, सब यहीं हमें फल देता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भगवान जो है ना वो हमारे साथ अच्छा करेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा कीजिए, सबकी मदद कीजिए, भगवान हमारी मदद करेगा। और कोरोना से ख़ास तौर पे बच्चों को, बूढ़ों को ज़रूर बचा के रखिए। मेरी माता श्री, मेरी अम्मा जी अब ठीक हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, वो बिस्तर से नहीं उठ पाती हैं, चल नहीं पा रही हैं, ये बेचैनी है उन्हें, उनसे ज़्यादा हमें हैं। हम उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी चल नहीं पा रही हैं। बाकी हम सब बहन भाई जो हैं बारी बारी से उनका ध्यान रखते हैं, जिसको जितना समय मिल जाता है उनके लिए देते हैं, एक दो जने उनके पास बने रहते हैं। मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी बहनें और भाई वगैरह जो हैं वो सब बहुत कर रहे हैं। और मेरी बड़ी वाली दीदी जो दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली से आके मेरी अम्मा के पास रही थी, 15-20 दिन उनके पास रह गई। मेरी जिया जी की असल में तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्हें इस वजह से जाना पड़ा, नहीं वो अभी नहीं जाती। तो हम सब लोग उनका पूरा ध्यान रखते हैं, आप लोगों के घर में भी अगर बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। कोई नहीं देखता है, सिर्फ ऊपर वाला देखता है, आपका करा हुआ आपके सामने आता है। इसलिए कभी भी किसी की मदद को ना मत कीजिए, अलसाइए मत, सबकी मदद कीजिए, घर में बुजुर्ग हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखिए। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बातें हो गई, बाकी बातें करते हैं अगले ब्लॉग में। और ये कोरोना की वजह से तो बात करने को मेरा जी नहीं करता, मुझे खुद रोना आ जाता है। समाचार देखते देखते ना उसमें कुछ देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। बल्कि बच्चे मुझे टोकते हैं कि मम्मी इतने ज़्यादा अपने अंदर निगेटिविटी मत लाओ, इतना मत परेशान हो। लेकिन क्या करें, मन है ना, किसी के बच्चे दिखाई देते हैं परेशान या कोई लेडीज़ दिखती है तो बहुत दुख लगता है। हमारा माहौल ऐसा हो गया कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और जो डॉक्टर्स और वो हैं वो कभी कभी इतने कठोर पत्थर हो जाते हैं कि दरवाजे पे तड़फ रहे हैं मरीज, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते। गलत है ये तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। अगर किसी की मदद करने से किसी का भला हो रहा है तो ज़रूर मदद कीजिए, मेरी अपनी राय है ये। वैसे तो सबकी अपनी मर्जी होती है। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मुझे बहुत दुख लगता है, ये जो माहौल चल रहा है मुझसे तो झिल नहीं रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भगवान करे जल्दी से ये सब सही हो जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, देवी माता से प्रार्थना कीजिए, देवी माता के नवरात्रे चल रहे हैं, देवी माता से प्रार्थना कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिएगा। जय माता की, राम राम।